इशारों से बुलाते हो, वतन में बैठ कर बाबा इशारों वतन में बैठ।
Thank you.
देह की दुनिया से उड़ जाओ।
इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। शुक्रिया आपका लाखों योगेश्वर परमात्मा पिता की गहन याद में बैठी हूं। ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ योग रखना अर्थात लाइट और माइट का वर्षा लेना, शिव पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, चित्त की प्रसन्नता द्वारा दुआओं के विमान में उड़ने वाले
संतुष्ट बनो। सदा प्रसन्न रहने के लिए तथा दुख के बंधनों से छूटने के लिए ईश्वरीय संबंध में रहना है। पहले जब संबंधों में स्नेह और मर्यादा थी तो सब कितने खुश और आनंदित थे। किंतु आज हर मनुष्य के चेहरे पर निराशा और दुख की झलक दिखाई दे रही है। इन पावन क्षणों में मैं आत्मा सर्व संबंधों का सुख एक शुभवा से अनुभव कर रही हूं। महसूस कर रही हूं शिव भगवान ही मेरे माता पिता बंधु सखा मित्र संबंधी है। सर्व संबंध उन्हीं से है। आज वास्तव में माया की नगरी दुखधाम में देह और देह से जुड़े जो भी संबंध है वो सब जंजीरे ही तो है जिसमें सब जकड़े हुए हैं और सब दुखी है। क्योंकि वो सभी संबंध माया की आसुरी मत पर चलकर किए हुए विकर्मों के हिसाब किताब को चुप्त करने के लिए बने हैं। इसलिए ये संबंध नहीं बंधन है और बंधन में सदैव दुख की ही अनुभूति होती है। इन दुख के बंधनों को सुख के संबंध में यदि कोई बदल सकता है तो वो केवल केवल और केवल ज्योतिपुंज परमपिता परमात्मा ही है। महाज्योति परमपिता परमात्मा सबको दुख के बंधनों से छुड़ाकर सुख के संबंध में ले जाने के लिए इस धरा पर आए हुए हैं।
मैं आत्मा ज्योति पुंज के सामने बैठी हूं। शक्तिशाली किरणों को अपने अंदर समाते जा रही हूं। इससे मेरे सभी बंधन समाप्त होते जा रहे हैं। कितनी पद्मा पदम सौभाग्यशाली हूं मैं आत्मा जो दुख के बंधनों से निकल ईश्वरीय संबंध में रहने का सौभाग्य मुझे मिला है। कि विचार आते ही मन में अपने मीठे बाबा से मिलने की इच्छा जागृत हो उठती है और मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा अपनी साकारी देह को छोड़ अपने निराकार शिव पिता से मिलने पहुंच जाती हूं। फरिश्ते रूप में पहुंच जाती हूं सूक्ष्म वतन में बाप दादा के बिल्कुल सम्मुख। प्यारे मीठे बाप दादा की प्यार भरी दृष्टि लेते बड़े प्यार और दुलार से उन्हें भोग की गिट्टी स्वीकार कराए। प्यारे मीठे बाप दादा भी सभी बच्चों को भोग खिलाते हैं। बाप दादा को जल स्वीकार कराकर अब अपना फरिश्ता चूल्हा यहीं छोड़ मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप में बिंदी स्वरूप में उल चलती हूं अपने निज घर परम धाम में।
अपने निराकारी स्वीट साइलेंस होम में। अब मैं आत्मा अपने शिव पिता के सम्मुख बैठ उनकी अनंत शक्तियों से स्वयं को भरपूर कर रही हूं। उनका असीम प्यार और दुलार, उनकी शक्तिशाली किरणों के रूप में निरंतर मुझ पर बरस रहा है। जो मुझे गहन तृप्ति की अनुभूति करवा रहा है। अब मुझे देहधारियों के स्वार्थी स्नेह की कोई आसक्ति नहीं रही। ईश्वरीय संबंधों का सच्चा सुख प्राप्त कर अब मैं आत्मा बंधन मुक्त जीवन का आनंद ले रही हूं। और इसी शक्तिशाली स्थिति में कुछ समय के लिए डीप साइलेंस में ज्वालामुखी योग अग्नि द्वारा अपने पूर्व विकर्मों को चलकर भस्म होता अनुभव कर रही हूं। डीप साइलेंस ज्वालामुखी योग।
इसी शक्तिशाली स्थिति में स्वयं को बिल्कुल हल्का, लाइट और रिलैक्स अनुभव करके मैं आत्मा परम धाम से नीचे आ जाती हूं सूक्ष्म वतन में। बाप दादा के हाथों में हाथ लिए उनकी स्नेहमयी दृष्टि में समाते लौट आती हूं साकारी दुनिया में, साकारी रथ में। अपने हाथ में जल ले ले चार्जिंग करने के लिए, अनुभव करें बाप दादा मेरे बिल्कुल सम्मुख है और उनकी अनंत शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप किरणें इस जल में प्रवाहित हो रही है जिससे ये जल श्रेष्ठ सकारात्मक ऊर्जा के प्रकंपनों से पूर्णतः चार्ज हो रहा है। एक एक एटम शक्तिशाली बनता जा रहा है। परिवार में सभी तन से स्वस्थ, मन से खुशहाल हो रहे हैं। हर कार्य में कम मेहनत में ही कई गुना अधिक सफलता प्राप्त होती जा रही है। परमात्मा स्मृति में रहकर कार्य करने से विघ्न प्रूफ हो सहज ही सभी कार्य सहजता से हो रहे हैं। ये जल अब परमात्म शक्तियों से पूर्णतः चार्ज हो चुका है। इसे घर के कॉमन वेसल में प्रवाहित कर दें ताकि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके।